हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों मैंने अपनी दुकान का वीडियो बना दिया था कि मैं कंप्यूटर की दुकान किस तरीके से ओपन किया था, और अभी मैं अपने दोस्त के पास आया हूँ। ठीक है, तो इन्होंने हमारे साथ ही दुकान ओपन की थी। ठीक है, तो अभी हम इनके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, कि शुरुआत में इन्होंने अपनी दुकान खोलने के लिए कितना संघर्ष किया और अभी इनकी इनकम कितनी हो पा रही है, और इनकी दुकान भी अभी हम आपको पूरी दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये हमारे दोस्त की दुकान है। ठीक है, ये दुकान इस तरीके से है, ऊपर बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, और देखो मेन रोड वहाँ पर है। ये जो लाइट जल रही है ना, उधर मेन रोड है, फिर वहाँ से ये बाईपास जाता है। ठीक है, इस साइड के लिए, और यहाँ पर घर मोहल्ला भी बना हुआ है, आप देख सकते हो। अब मैं चलता हूँ आपको दुकान में लेके। तो सबसे पहले दुकान दोस्तों देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो ये इस तरीके से है। ठीक है, अब दोस्तों जब आप अंदर जाओगे ना, तो देखो पहली बार तो इनका ये प्रिंटर रखा हुआ है। फास्ट फोटोकॉपी करने के लिए ये वाला HP का प्रिंटर लिया जाता है, और अगर आपको फ़ोटो वगैरह निकालनी है या फिर कलर फोटोकॉपी करनी है, तब ये वाला प्रिंटर है। ठीक है, वो बात अलग है कि अभी ये टूट गया है। और दोस्तों देखो अभी यहाँ पर इन्होंने, देखो ये वाला इनका बैनर है, एक दुकान का बाहर का ख़राब हो गया है, लेकिन ये इधर नया लग रहा है। ठीक है, और दोस्तों फिर इन्होंने यहाँ पर ये स्टेशनरी का कुछ सामान भी रखा हुआ है, और सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने CCTV कैमरा लगवा लिया है। एक बार इनको चपत लग गई थी, अच्छी चपत लगी थी, रो रहे थे। ठीक है, तो तब इन्होंने CCTV कैमरा लगवा लिया। ये आया है CCTV कैमरा, कितने रुपए का आया है अल्पेश? 3500 रुपये का। 3500 का, 3500 रुपये का आया है, वो वहाँ पर लगा दिया, और इसको घर बैठे मोबाइल से भी कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों इन्होंने स्टेशनरी का सामान रख लिया है, क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं तो वो ले ही जाते हैं। मैं भी इनसे पेंसिल वगैरह ले जाता हूँ, कभी कॉपी वगैरह चाहिए होती है, वैसे हमारी दुकान पर है, फिर भी मैं इनसे ले जाता हूँ, क्योंकि शुरुआत में इनकी दुकान चलती नहीं थी, तो हमें यहाँ से कुछ ना कुछ ले जाते। दोस्तों की मदद करनी पड़ती है अगर उनकी दुकान नहीं चलती है तो। अल्पेश देखो इनकी इस तरीके से दुकान है। ठीक है, और अभी इन पर लैपटॉप है, और ये सारा काम लैपटॉप से ही करते हैं, और बाकी का कुछ बचा हुआ काम, और अभी भी इनका काम ही चल रहा है। कोई दे गया है ना फॉर्म वगैरह डालने को? है कोई फॉर्म वगैरह? SSCGD का भी ये फॉर्म डाल रहे हैं। तो फॉर्म डालने के लिए इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? फॉर्म डालने के लिए नॉर्मली अपन को थोड़ी बहुत तो बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। हाँ, इंग्लिश आने के साथ साथ अपन को नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिस एक बड़ी चीज होती है। हाँ, और करना जरूरी है, कोई फॉर्म कहीं गलत हो गया तो कहीं परेशानी का, तो उसके लिए YouTube अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर पहले वीडियो देखो। बिल्कुल, वीडियो पहले देख के सब चीज समझो, कैसे हाँ, क्या है, क्या भरना है, क्या नहीं, कि किसी का कुछ कर दिया तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ जाए, तो फिर मार भी पर पिट सकती है अगर कोई दबंग हुआ तो। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखेगा, क्योंकि आप किसी की जॉब का फॉर्म डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बात ये है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पूरी आप पे रहती है। अगर आपने फॉर्म सही नहीं डाला तो हो सकता है कि उसका वो एग्ज़ाम या फिर उस वैकेंसी से वो हाथ धो बैठे। तो पहले YouTube से वीडियो देखें दो चार लोगों के, और पहले कोई एक डेमो के तौर पर, ठीक है, जिसका पेमेंट अगर मांग रहा हो तो उसमें पेमेंट करना नहीं, लेकिन पहले डेमो के लिए किसी के डॉक्यूमेंट लेके घर वाले का ही एक फॉर्म लेके डाल दो तो सही है ना। हाँ, तो अल्पेश देखो जैसे कि अभी यहाँ पर कस्टमर भी दिन में कमी ही आती है, और कभी कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं, वैकेंसियों पर डिपेंड करता है, काम पर डिपेंड करता है पूरा का पूरा, कि कस्टमर कितने आएंगे। तो अल्पेश वैसे यहाँ पर अभी तुमको हो गया, ठीक है, 2 साल होने वाले हैं। हाँ, लगभग 2 साल। ठीक है, 2 साल होने वाले हैं, तो अब दुकान तुम्हारी कैसे चलने लगी है? ठीक ठाक, नॉर्मली पूरे दिन बैठो तो थोड़ा बहुत काम हो ही जाता है, जो लगभग दिहाड़ी एक मजदूर करता है ना, उतनी इनकम तो हो जाती होगी उससे, तो कुछ अच्छा खासा हो जाता है। हाँ, तो जैसे कि अभी बेलदार की अगर देखा जाए तो उसको मिलते हैं 450 रुपये, तो उससे तो अच्छा हो ही जाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं 700-800 रुपये यहाँ से इतना निकल आता है। और भी काम दोस्तों काफ़ी सारे होते हैं इनके पास, जॉब, ठीक है, ये जॉब के भी फॉर्म डालते हैं, इसके बाद ये बैंक अकाउंट वगैरह भी खोल देते हैं। तो दोस्तों जब आप इस फील्ड में आओगे ना, अगर आप दुकान ओपन करना चाहते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको आ जाएगी। जैसे कि अभी मैं इनका वीडियो दिखा रहा हूँ, ठीक है, शुरुआत में आपको क्या प्रॉब्लम आई थी? क्योंकि जब लोग शुरुआत में दुकान ओपन करते हैं ना, दुकान उनकी चलती नहीं है, फिर वो बोलते हैं कि बंद करें क्या करें, तो शुरुआत में ये प्रॉब्लम तो तुम्हें भी आई थी।
ये प्रॉब्लम सभी के साथ रहती है और कोई आता नहीं है पहली बात तो। टाइम स्पेंड करना पड़ता है कम से कम लगभग अपन ने 2-3 साल तो टाइम खराब करना पड़ता है, करना पड़ेगा ठीक है। तो कहीं क्या नाम है, मंथली तुम एवरेज लगा पाओगे 15-20 तक का। हाँ अभी तुम्हारा आने लगा ठीक है, 2 साल मतलब कि निकल गई। और सबसे बड़ी बात है कि सुबह से 8 बजे से शाम के 5 बजे तक तो खोलनी है तो हाँ। ही हो पाता है और रात तक खोले रहो ऐसे कभी कभी काम तो कोई वो तो अपना वो बेनिफिट है उसमें। हाँ लेकिन बात ये कि यहाँ पर दुकान पर बंद के बैठना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कोई कस्टमर आया तुम दुकान पर मिले ही नहीं है ना, वो तो फिर कुछ होने वाला ही नहीं है। हाँ नहीं काफी सारे लोग यही गलती कर देते कि दुकान तो ओपन कर लेते हैं उधर काम भी नहीं आता है कुछ लोगों के, बहुत से ऐसे भी है, पर पहले तो सीखना पड़ता है कोई काम करने से पहले उसके बारे में पूरी सटीक जानकारी और सब कुछ उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए तभी अपन कुछ कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी न्यू दुकान ओपन करना चाहते हैं तो कहने का मतलब ये है कि 2-3 महीने तो ऐसे जाएंगे जब दुकान का रेंट भी नहीं निकलेगा ठीक है, किराया भी घर से देना पड़ेगा लेकिन पर उसके बाद चलने लगता है, वेट करना पड़ता है। तो वेट करना दोस्तों जब भी आप कोई नया बिजनेस ओपन करना, तो मैंने भी खोला था एक दिन हमें 2 ही रुपये आए थे दुकान पे शुरुआत में, ऐसा होता है पूरे दिन भर में कोई कस्टमर भी नहीं आया था। हाँ ऐसा भी हुआ है काफी बार तो काफी ज्यादा कस्टमर आ जाते हैं कि वो तो है ही, वो तो नसीब और किस्मत सब कुछ चलती है, दुकान भर जाती है। अब दोस्तों काफी सारे लोग बोलते कि हमें दुकान कितनी बड़ी लेनी चाहिए ठीक है, तो आप ऑनलाइन सेंटर ओपन कर रहे हैं तो कंप्यूटर रख जाए, प्रिंटर रख जाए ठीक है, इनोवेटर रख जाए, इतना नॉलेज होनी चाहिए पूरी तभी चल पाता है। हाँ अगर नॉलेज है तो दुकान अच्छी खासी चल जाती है।